हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 1 एंड द टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1 इज रेशनल नंबर्स। आज जो हम लोग इस टॉपिक में कंसिडर कर रहे हैं, जो सब टॉपिक है, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स हाउ डू वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो वी आर गोइंग टू डू सम्स और उन सम्स को करके वी विल कम टू नो, जो हमने अभी सीखा था, हाउ एसोसिएशन वर्क्स, हाउ कैन वी शिफ्ट द डिजिट्स एंड हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशंस इन अ मच फास्टर वे। सो लेट अस सी, दिस इज द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी तक जो आपने एडिशन करा था, देवर ऑफ होल नंबर्स और इंटीजर्स। आज हम कर रहे हैं रेशनल नंबर्स। जैसा हम लोग पहले के सेशंस में सीख चुके हैं, व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये आपको अपॉन की लाइन दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो लेट अस सी कि हम इसमें क्या सीख रहे हैं आज। सो आज देखिए कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, मतलब 3 अगर कहें रेशनल नंबर्स हैं, -2/3, ओके, देन 3/5 एंड -5/6। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे 3 और सेम डिजिट्स यहां पर हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज, यहां पे हमने -2/3 को सेपरेट रखा है एंड दीज टू जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, दे आर इन अ 1 ब्रैकेट। सेम डिजिट्स हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या करा, हमने -2/3 की पेयरिंग कर दी है 3/5 से एंड -5/6 इन अ सेपरेट थिंग। तो बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस सम, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कि कैसे हम ब्रैकेट्स पर ध्यान देते हैं। सो आप लोगों ने सम्स करे, यू मस्ट बी नोइंग, बट अ क्विक रिकैप, जो हमारा फोकस होता है, तो हमारे 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। एक आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, एक आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है एंड 1 इज इन दिस फॉर्म। तो जब हमारे सम्स होते हैं, अगर ये वाला ब्रैकेट है तो फर्स्ट वी सॉल्व द डिजिट्स विच आर इनसाइड दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट। सेकंड में हम इस, ये जो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन कर्व जो ब्रैकेट होता है, हम इस पर को जो डिजिट्स इसके अंदर होते हैं, वी सॉल्व दिस। एंड थर्ड नंबर पे जब इस टाइप का ब्रैकेट होता है, वी सॉल्व दिस। तो इस टाइप से वी कंटिन्यू विद अवर कैलकुलेशन, ओके। सो इसमें आपको, नाउ यू कैन सी द ब्रैकेट्स, कैन यू सी द ब्रैकेट्स अप अबव द इन द सम, ये जो ब्रैकेट्स हैं, तो मींस हमें ये स्ट्रेट ब्रैकेट है ना, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट और इस सम में वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। तो लेट अस सी, अगर हम पेयरिंग, हमें एडिशन करना है, बट इफ यू आर शिफ्टिंग द ये पेयर्स, तो हमारी कैलकुलेशन पर कोई असर होगा। तो हम सबसे पहले ये इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ इज इक्वल टू करके हम ये पार्ट भी सॉल्व करते जाएंगे एंड लेट अस सी हमारे आंसर मैच करते हैं या नहीं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं -2/3 से। हाँ, आई एम राइटिंग -2/3 प्लस, अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, बिकॉज दे आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, हम क्या करते हैं, वी टेक द एलसीएम। हमारा आया एलसीएम 30, ओके। सो मींस, अब आप जानते हैं, हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, हम उसकी काउंटिंग करके देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स 30 आएगा एंड वी मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। सो हम 5 6 आएगा ना, तो हम 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 एंड 6 5 आएगा तो ये 5 5 25, ओके। ये हमारा पूरा एक ब्रैकेट बन गया। हम एक बार फिर से चेक करते हैं, 6 5 30 तो 5 5 25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इन दो का एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम 15। अब हमने देखा तो 3 5 15 होता, तो दिस विल बी -10 एंड दिस विल बी 5 3 तो 3 3 9, ओके। हमारा ये आ गया। अब हमारा ये जो नंबर है 5/6, दिस इज इन
separate form. So this is 5. Okay? I am writing this again. So plus minus 5 upon 6. ये आ गया. Now हम इसको further, अब हमारे पास values हैं, we are going to solve. तो 18 minus 25 is minus 7 upon 30 is equal to, अभी हम is equal to रख रहे हैं, जब final answer आएगा तब देखेंगे हमें is equal to रखना है या नहीं. Minus 10 plus 9 minus 1 upon 15 and then ये एक form आया plus माइनस 5 अपॉन 6. ओके, अगेन हमारे पास फ्रैक्शन है, हम इसका एलसीएम लेंगे. क्लियर है 30 है तो 3 टेन्स या 30 होता है तो हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा नंबर आ गया 20 एंड ये आ गया हमारा माइनस 7. यहां पे हमारा ये 15 एंड 6 है तो हमारा एलसीएम क्या होगा. ओके, सो लेट अस सी 15 एंड 6 हम एलसीएम कैसे निकालते हैं. 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर 5 आएगा 2 आएगा, 2 5 जा 10 और 30. तो हमारा एलसीएम आया इसमें 30. तो 15 2 जा 30 मींस यहां पे हमारा माइनस 2 एंड 6 5 जा 30 मींस माइनस 25. ओके, सो इसको ऐड कर रहे हैं तो माइनस 27 अपॉन 30 इज इक्वल टू, ये भी हमारा माइनस 27 अपॉन 30. ओके, सो दिस मींस एडिशन में वी कैन मेक पेयर्स. हमें हम या तो इन दो का पेयर बना सकते हैं या इन दो का रेशनल नंबर्स का वी कैन मेक द पेयर्स. तो व्हाट डू वी लर्न, के कंक्लूजन क्या आया कि एडिशन जो है इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. एसोसिएटिव मीन्स हम उनका एसोसिएशन बना सकते हैं. वी कैन लुक फॉर किन नंबर्स को वी कैन डू द कैलकुलेशन फास्टर वे एंड वी कैन गो थ्रू अवर कैलकुलेशन. सो फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स लाइक ए बी सी, हमने थ्री रेशनल नंबर्स देखे थे, इधर वी कैन राइट ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी और वी कैन राइट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी. हमें आंसर हमेशा सेम मिलेगा. मूविंग टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट, लेट अस चेक. सब्ट्रैक्शन में हमारा एसोसिएशन चल सकता है. हमारे पास 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 4, देखिए दोनों में डिजिट सेम है तो जैसे हमने सॉल्व करा था हम सॉल्व करते हैं. क्लियर है इसका एलसीएम इज 12. तो 3 4 जा मींस 4 2 जा 8 एंड यह आ गया क्योंकि 4 3 जा तो 3 5 जा 15. तो एलसीएम तो आप लोग जानते ही हैं, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. इसका भी सेम एलसीएम होगा बट यहां पर 15 आएगा एंड यहां पर 8 आएगा क्योंकि 4 3 जा 12 तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 4 जा 12 तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेट अस सी हमारा आंसर क्या है. माइनस 7 अपॉन 12 एंड दिस इज 7 अपॉन 12. कैन वी से बोथ आर इक्वल? नो, वी कैनॉट से बोथ आर इक्वल बिकॉज इसके साथ माइनस साइन इज देयर एंड इसके साथ प्लस का साइन इज देयर. सो वी कैनॉट से दे आर इक्वल, तो हम बीच में एक लाइन कर देते हैं. तो अनइक्वल शो करने के लिए वी इक्वल साइन को वी जस्ट कट इट डाउन. सो दीज आर नॉट इक्वल. सो वॉट डू वी लर्न, दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. दिस मीन्स वी कैनॉट से ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी विल बी इक्वल टू, इट विल नॉट बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी. मीन्स सब्ट्रैक्शन में वी कैनॉट शो द एसोसिएशन. जो फिगर्स है वी हैव टू गो विद डेट वे ओनली. हमें अपना इजी गोइंग वी कैनॉट सर्च फॉर. नाउ एसोसिएशन वी लुक फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन का यू नो हम क्या होता है, अ क्विक रिकैप. ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी अगर कुछ है, हाउ डू वी मल्टीप्लाई, हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड. तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी डी.
ओके, दिस इज द वे वी डू द मल्टीप्लीकेशन. तो लेट अस सॉल्व द सम. अब हम इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी. सो तो 7 - 7/3. तो अगेन आप देख रहे हैं कि एक बार -7/3 सेपरेट है, एक बार इट इज पेयर्ड बाय 5/4. सो 7/3 आपको याद है कि ब्रैकेट का फर्स्ट वी सॉल्व है ना. तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है. तो 5 2 10 एंड 4 9 36. ओके, नाउ लेट अस सी इसमें क्या आएगा. ब्रैकेट में -35, 7 5 35 एंड 3 4 12 इंटू 2/9. लेट अस गेट द आंसर. तो ये अब 7 × 10 हो गया, मीन 70, और 36, 3 × 36, 3 6 18, 3 3 9 110. तो 70/108. यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 5 10, 2 3 6 7, माइनस है तो माइनस रखा, 9 2 18, 9 1 9 एंड 110. तो वी आर गेटिंग बोथ डिजिट्स इक्वल. तो यस, तो इसमें हमने क्या सीखा, लेट अस गो थ्रू दिस स्टेटमेंट कि मल्टीप्लीकेशन क्या है, इज एसोसिएटिव. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. ओके, सो वी कैन डू ए इंटू बी इंटू सी इन अ ब्रैकेट, और वी कैन डू ए इंटू बी इंटू सी. सो दिस इज, तो अभी हमने क्या देखा, एडिशन इज एसोसिएटिव बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. नाउ वी लुक फॉर द डिविजन पार्ट. डिविजन में क्या है, तो आपको एक जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन का सीखा था, क्विक रिकैप, हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को कैसे, अगर a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वी अप्लाई. हम क्या करते हैं, a अपॉन b, डिविजन की जगह वी पुट अ मल्टीप्लीकेशन का साइन, और वी रेसिप्रोकेट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इट विल बिकम d अपॉन c. फिर सेम लाइक मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड. ओके, सो द सेम वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम. सो यहां पर क्या है, नाउ सी 1/2 डिवाइडेड बाय, अभी हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे क्योंकि यू नो फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट. ओके, सो -1/3 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकेट द वैल्यूज 5/2. अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं, तो 1/2, अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो हमें सॉल्व करना है, तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन एंड रेसिप्रोकेट 3/-1. ओके, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2/5. आ गया ये चीज. अब हम देखते हैं, तो 1/2 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5, 3 2 6 इक्वल टू, ये क्या आया, 3, एंड 2 × -1 है इसलिए इट विल बिकम -2. एंड द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय 2/5. नाउ डिविजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकेट द वैल्यूज, तो 6/-5 इज इक्वल टू 3/-2, मल्टीप्लाई का साइन एंड 5/2. ओके, तो ये आ गया 6/-10 इज इक्वल टू 15/-4. सो क्या देख रहे हैं, आर दिस वैल्यू इक्वल, क्या कह सकते हैं, नो, दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल. ओके, सो हमने क्या सीखा, डिविजन, डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स. हम एसोसिएशन अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं. तो फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स लाइक ए बी सी, तो a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c इज अनइक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c. सो दिस कम्स टू बी अनइक्वल टू. ओके, सो आज आपने क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्न.
हमने यह देखा कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन इन एसोसिएशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गोज विद देम बट नॉट विद सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ बच्चे भूल गए हैं तो आपने क्या सीखा, हाउ डू वी मल्टीप्लाई एंड हाउ डू वी डिवाइड। मल्टीप्लाई तो एक हम डिवीजन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से कि अगर हमारे कोई दो हमारे रेशनल नंबर्स को हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन की जगह वी पुट अ मल्टीप्लाई का साइन एंड वी रेसिप्रोकेट द वैल्यूज, तो डी अपॉन सी। अब यहीं पे हम मल्टीप्लीकेशन भी रिवाइज कर लेते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड। सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर टूडे। प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज सम्स सो डेट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज सम्स। और जो अभी हम एक इनिशियल जो प्रॉपर्टीज लर्न कर रहे थे, नाउ थ्रू सम्स वी आर रिवाइजिंग दोज प्रॉपर्टीज सो डेट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर।